दोस्तों का स्वागत है मेरे टेक्निकल चैनल ज्ञान गुरु में, और आप लोग हैं मेरे साथ, मैं हूं केपी आपका दोस्त। तो आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आजकल कंप्यूटर यूज करते हुए हमें डर रहता है कि कहीं ना पकड़ा गया। क्या पकड़ा जाए कि हम लोग ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो या तो फिर पैसा दे के खरीदना पड़ता है उनको, या फिर हम लोगों को क्या करना है कि इसके अलावा करें क्या, हम पायरेटेड सीडी डीवीडी कुछ भी खरीद के उसको यूज कर लेते हैं। ऐसा करना कानूनी तरीके से गलत है, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, क्या करना चाहिए, आज मैं बोलता आप लोगों को। देखिए सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें आप लोगों को फ्री ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उसके अंदर इसके लाइसेंस के अंदर बना हुआ बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं आज आपको आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका जो ऑडियो वीडियो सब कुछ मैं फ्री सॉफ्टवेयर में एडिट किया हूँ या फिर उसमें यूज किया हूँ। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर मैं बोलता हूँ। ऑफिस का काम जो करना चाहते हैं, ऑफिस के काम के लिए हम लोग हर वक्त माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के ऊपर डिपेंडेबल है। पिछले जमाने में माइक्रोसॉफ्ट ईएक्सटी फाइल आपको देता था, लेकिन आजकल इसने ईएक्सटी फाइल देना बंद कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया पूरा 360 ऑफिस को। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और एडोब ने समझ लिया है कि उनके बिजनेस को बचा के रखने के लिए आप पायरेटेड जो सीडी यूज करते हैं उसको दोबारा यूज ना कर सके, अपडेटेड लेटेस्ट वर्षन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज ना कर सके, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन कर दिए, बिना रजिस्ट्रेशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो क्या करें, कैसे यूज करें ऑफिस में, लेटेस्ट वर्षन कौन सा यूज करें। देखिए दोस्तों उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे समझ लीजिए ओपन ऑफिस ओआरजी है, उसमें जाइए ओपन ऑफिस डाउनलोड कीजिए, यूज कर सकते हैं। किंगसॉफ्ट ऑफिस है जिसका आजकल नाम चेंज होते हैं, तो चाइनीज कंपनी है किंगसॉफ्ट, उसने नाम चेंज करके नाम रख दिया है डब्ल्यूटीएस ऑफिस, उसमें आप काम कर सकते हैं। या फिर लिबाइन ऑफिस दोस्तों बहुत एक यूजर फ्रेंडली ऑफिस एप्लीकेशन है, जिसमें आपको राइटिंग के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, स्प्रेडशीट के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, तो सारे ये मिल जाएंगे। उसके बाद कोई कोई मुझसे पूछेगा कि भाई ये तो ऑफिस का काम हो गया, अब आप थोड़ा सा एनिमेशन या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए तो फिर उसके बारे में बात कीजिए। हाँ दोस्तों, एनिमेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारे ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर है, वो है 3D वाला सॉफ्टवेयर है, वह ब्लेंडर। ब्लेंडर आके ब्लेंडर ने पूरे दुनिया में तहलका मचाया चुका है दोस्तों। इसमें आप वीडियो एडिटिंग से लेकर स्पेशल इफेक्ट से लेके 3D मॉडलिंग से लेके एनिमेशन से लेके कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए ऑडियो प्रोडक्शन के जगह पर, ऑडियो प्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो एडिट के लिए हम लोग नॉर्मली म्यूजिक मिक्स या फिर कोई भी सोनी का, कोई भी सोनी वेगास या फिर सॉरी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो है म्यूजिक प्रोडक्शन के, उसको साउंड फोर्स, सोनी साउंड फोर्स, तो उसको यूज करते हैं, पैसा लगता है। फ्री क्या है, फ्री बहुत सारे, उसमें सबसे अच्छा है मैंने जो यूज किया, मैं जो करता हूं हर वक्त, ये साउंड भी आपका एडिट होगा उसमें, वो है ऑडासिटी। ऑडासिटी जाइए नेट में ढूंढिए, ऑडासिटी मिल जाएगा, उसको यूज कीजिए, बस हो गया फ्री। नेक्स्ट आ जाइए जो हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आप आ जाइए कैमटेसिया, कैमटेसिया यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस की जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीसी का सुरक्षा, उसमें आप यूज कर सकते हैं अपने पीसी में 360 सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। फिर आपका आ गया जो कंप्यूटर का देखभाल करना है, उसको अच्छी तरह से रखना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सीसी क्लीनर। तो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर से, देखिए सारे सॉफ्टवेयर के, जैसे आपका जो वीडियो एडिटिंग है उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल काम करने के लिए अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं हो रहा है तो आपको ऑफकोर्स पेड सॉफ्टवेयर में जाना होगा, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं।
तो मैंने तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में बोला, लेकिन हमारे अगले जो वीडियो आ रहा है उसमें हम बात करेंगे और भी सॉफ्टवेयर और साथ में थोड़ा सा ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे इसके बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।